नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपके सामने एक नए लेसन के साथ आया हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राग भूपाली के आरोह अवरोह पकड़ के बारे में जाना था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे थे राग भूपाली के बारे में। सो इस लेसन में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी जो स्वर होते हैं उनकी संगतियों से, उनके जुड़ने से एक अच्छा स्वर राग भूपाली में बनकर निखर कर आता है। चलिए हम देर नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं और एक एक कॉम्बिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जब आप बजाएंगे इसे वासुरु पे तो बहुत ही मधुरता के साथ बजाइएगा। सारे मीट गमक खटका जो भी आप चाहते हैं आप उसको यूज़ कीजिएगा, मैं बताते हुए जाऊँगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो स्वर है वो है सा कैसे बजाएंगे हम लोग? मैंने आपको बताया था कि जब आप सा बजा रहे हैं तो ध से सा का मीन लीजिए और जब ध बजा रहे हैं तो सा से ध का मीन लीजिए, ठीक है। और रे बजाते समय ग से रे पे आना है और ग बजाते समय ग से रे से ग पे जाना है, ठीक है। तो कैसे है? तो ध से सा ध सा से ध, कैसे? अगला लाइन है रे ग सा रे सा, फिर उसी तरीके से क्या रे ग सा रे ग सा। रे कैसे बजाएंगे? ग से रे, मंदर सप्तक का पद सारे ग सारे ग, कैसे? बीच बीच में हम लोग प्लेन भी बजाएंगे तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। तो अभी मैंने प्लेन बजाया सारे ग, अगला लाइन है ग प ध सा ध प ग, ग प ध सा ध प ग, ग प ध सा ध प ग। तो ग कैसे बजाना है? रे से ग देन प नॉर्मल प एंड ध बजाते समय सा से ध एंड फिर से सा बजाते समय ध से सा एंड देन ध प ग ध और प उसके बाद नॉर्मल बजेगा। कैसे? लाइन है ग ग प ध प सा, ये तार सप्तक का सा है, ठीक है। सो इसी को एक बार मैं पूरा बोलता हूँ और एक एक लाइन के बाद आपको गैप देना है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हो। सा
आखिरी स्वर को खींचना है, रे ग सा रे ध सा ध सा रे ग सा रे ग ग प ध इसी तरीके से हम लोग, चलिए अब इसको फ्लूट पे बजा के देखते हैं। इसी तरीके से आपको ये दो बार भी आप बजा सकते हैं। सुनने में बेहतर लगेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेसन में कुछ नया लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।